मैं आज आपको सिखा रही हूँ क्रीमी फ्रूट चाट बनाना। तो इसमें जिस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें बनाना हमने लिए हैं दो बनाना, 1 कप ग्रेप्स हैं, 1 कप आप इसमें ये ले लें नाशपाती है मेरे पास, 1 कप एप्पल हैं, 2 बड़े इतने साइज छोटे साइज के आलू हैं, 1 कप आप इसमें चने ले लें और आलमंड हैं, उसके ऊपर बाद में डेकोरेट करने के लिए डालेंगे आलमंड्स ना। और ये मेरे पास प्यूरी है मैंगो प्यूरी, ये 1 कप ले लें। काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, चाट मसाला है 1 टेबल स्पून और शुगर है 2 टेबल स्पून। इसमें मेरे पास स्ट्रॉबेरी की जेली है और ये मेरे पास ब्लूबेरी की जेली है। आप व्हाटएवर, क्या आप पाइनएप्पल की जेली लें या स्ट्रॉबेरी की जेली लें, बनाना की लें, किसी की भी ले लें, तो इसको मिक्सअप करते हैं। क्रीम है ये जी मेरे पास 250 ग्राम क्रीम है, तो इसको मिक्सअप करते हैं। चाट मसाला गया, शुगर गई, ब्लैक पेपर गया, नाशपाती है, एप्पल है, एप्पल गया, ये चने गए, आलू, मैंगो प्योरी गई, बनाना गए, ग्रेप्स चले गए। मिक्स कर लेते हैं। अब ये हमारे पास जो क्रीम है 250 ग्राम क्रीम है, 250 ग्राम क्रीम चली गई इसमें। अब इसे गार्निश करते हैं। देखिए ये मैंने सारी ना मिक्स कर ली है। मिक्स करने के बाद अब मैंने ये अपनी जेली को काट लिया था, क्यूब्स में काट लिया था मैंने इसको, इसको गार्निश कर लेते हैं। इसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया था, ये देखें ऐसी क्यूब्स बनेंगी छुरी से। हाथ जी धो लीजिएगा, मैं भी हाथ से ही काम कर रही हूँ, हाथ साफ करके फिर ऐसा काम करना हाथ का। केले मेरे इसमें 2 केले थे, 2 या 3 केले आप डाल सकते हैं इसमें। ऊपर से डाल दिया इसको, ट्राई कीजिएगा तो मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।